हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चौधरी डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग फोर वेरिएबल के मैप को पढ़ेंगे हम लोग देख रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वन यूनिट थ्री लेक्चर फाइव फोर वेरिएबल के मैप तो फोर वेरिएबल के मैप में कितना सेल होगा तो टू टू डी पावर फोर इज कॉल टू सिक्सटीन सिक्सटीन सेल होगा आपका देखिए फोर वेरिएबल में हम लोग चार वेरिएबल लेते हैं ए फोर वेरिएबल ए बी सी डी एक्सप्रेशन कैन हैव टू टू डी पावर फोरटीन टू टू डी पावर फोर इज्कल टू सिक्सटीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल जो आपका इनपुट वेरिएबल है चार ए बी सी डी इसमें मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना होगा इनपुट का टू टू डी पावर फोर इज्कल टू सिक्सटीन हो जाएगा सच एज ए बार बी बार सी बार डी बार कॉमा ए बार बी बार सी बार डी कॉमा डॉट 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 कहाँ तक होगा ए बी सी डी किस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं ए बार सी बार ए बार बी बार 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 सी डी का मतलब हो गया जीरो 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 ए बार बी बार सी बार डी का मतलब हो गया जीरो 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 वन नेक्स्ट क्या हो जाएगा जीरो जीरो वन ज़ीरो फिर जीरो जीरो वन वन फिर जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो आपका जीरो वन टू थ्री फोर इसी तरह फाइव सिक्स से लेकर कहाँ तक हो जाएगा फिफ्टीन तक आपका चला जाएगा फिफ्टीन तक हो गया तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको विथ मिनटन विथ मिनटन डिजिग्नेशन इसका मिनटर्म क्या हो जाएगा देखिए इसके इसका मिनटन क्या हो जाएगा एम नॉट इसका क्या हो जाएगा एम वन इसी तरह एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव कहाँ तक हो जाएगा एम फिफ्टीन तक हो जाएगा आपका एम फिफ्टीन तक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दॉप फॉर्म सॉप फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आपका हो जाएगा एम नॉट से एम फिफ्टीन तक हम लोग एम जो यूज करते हैं मीन टर्म के लिए स्मॉल एम का यूज करते हैं एम एम नॉट मीन्स ये आपका जीरो पोजिशन है वन टू थ्री फोर इस तरह का उसी तरह हम लोग पॉस फॉर्म में कैसे लिखेंगे पॉस फॉर्म में आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम आ डोड डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार विथ मैक्स टर्म डिजिग्नेशन कहाँ से हो जाएगा एम नॉट एम वन डॉट एम फिफ्टीन तक हो जाएगा इन द रिस्पेक्टिवलीस्ट फॉर्म फॉर्म में हम लोग प्लस में लिखते हैं और सॉफ्ट फॉर्म में हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं और हम लोग जो यूज करते हैं मैक्स टर्म का वो आपका कैपिटल लेटर का यूज करते हैं कैपिटल एम तो एम नॉट एम वन डॉट डॉट एम फिफ्टीन तक आपका होगा तो अब देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे फोर वेरिएबल में के मैप में इस चीज को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका कितना वेरिएबल है चार वेरिएबल ए बी सी डी ये आपका चार वेरिएबल का है तो हम लोग देखिए यहाँ पे ले रहे हैं ए बी सी डी आप ऐसे भी, भी लिख सकते हैं इधर एल बी लिख सकते हैं इधर सी डी भी लिख सकते हैं ऐसे भी आप कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए बी ले रहे हैं यहाँ सी डी ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया जीरो 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 वन 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 जीरो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो 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 वन 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 जीरो यहाँ पे देखिए ये आपका सॉफ्ट फॉर्म में है और ये आपका पॉस फॉर्म में है दोनों को हम लोग देखते हैं तो यहाँ चार वेरिएबल ले लिए तो यहाँ क्या हो गया जीरो 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 वन 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 जीरो उसी तरह जीरो 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 वन 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 जीरो यहाँ पे वन वन लिखेंगे यहाँ पे वन जीरो लिखेंगे उसी तरह यहाँ पे वन वन और यहाँ पे वन ज़ीरो लिखेंगे अब देखिए इस सेल के लिए क्या हो जाएगा जीरो जीरो का मतलब यहाँ पे सी है तो सी बार डी बार हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बार डी ये हो जाएगा सी डी और ये होगा सी डी बार उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी बार ये हो गया आपका ए बार बी ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका ए बी बार अब देखिए लिखे हैं ए बार बी बार सी सेल के लिए हो गया इस सेल के लिए हो जाएगा ए बार बी बार सी बार डी फिर इस सेल के लिए क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस होता है तो ए बार बी बार सी इंटू डी फिर इस सेल के लिए क्या हो जाएगा ए बार बी बार सी डी बार उसी तरह इस सेल के लिए हो जाएगा ए बार बी सी उसी तरह सिमिलरली हम लोग सभी सेल के लिए लिखेंगे अब देखिए हम लोग नंबरिंग अगर करें तो देखिए यहाँ पे जीरो 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 है जीरो 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 मतलब जीरो 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 सेल के लिए आपका क्या हो जाएगा जीरो 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 थ्री होता है फिर इस सेल के लिए क्या हो जाएगा जीरो जीरो तो जीरो जीरो वन जीरो होता है टू तो टू उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा जीरो वन जीरो जीरो तो जीरो वन जीरो जीरो कितना हो जाएगा फोर उसका डेसिमल फिर आपका जीरो वन जीरो वन कितना हो जाएगा जीरो वन यहाँ पे जीरो वन जीरो वन कितना हो जाएगा फाइव फिर आपका जीरो वन 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 तो सेवन सिक्स इस तरह से आपका कीजिएगा तो सबका आ जाएगा इसका इसका देखिए तो यहाँ पे क्या है वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो कितना ट्वेल्व होता है फिर वन वन जीरो वन थर्टीन होता है वन 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 फिफ्टीन होता है वन 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 जीरो फोर्टीन होता है इस तरह से हम लोग लिख लिए तो देखिए इसको कैसे लिखे ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इस तरह से अगर आप यहाँ पे कीजिएगा छः के बाद यहाँ से अगर आप लिखते हैं यहाँ सात तक है यहाँ अगर आठ लिखते हैं और यहाँ से बारह शुरू करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा क्या होगा हो? गलत हो जाएगा आपका इसी तरह से होगा देखिए क्योंकि जो आपका डेसिमल वैल्यू आएगा उसी का हम लोग लिखते हैं तो डेसिमल वैल्यू इसका वन जीरो वन वन जीरो 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 का आठ होता है तो डेसिमल वैल्यू इसका आठ होगा ना कि इसका होगा जिसका जो डेसिमल वैल्यू होगा उसी तरह हम लोग लिखते हैं आप इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए जिससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन ये आपको फोर वेरिएबल के लिए हो गया और ये सॉप में है पॉस फॉर्म में भी इसी तरह लिखा हुआ है इसी तरह हम लोग लिख लेंगे अब हम लोग पॉस फॉर्म में देखते हैं तो पॉस्ट फॉर्म में भी वही जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन यही पोजीशन रहेगा नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पे जीरो 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 के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं पॉस फॉर्म में क्या होता है जब आपका जीरो रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं ए बार और जब आपका वन रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं सॉरी जब आपका जीरो रहता है तो ए लिखते हैं जब वन रहता है तो ए बार लिखते हैं किस में पॉस फॉर्म में पॉस में हम लोग ऐसे करते हैं जब आपका जीरो रहेगा तो ए और वन रहेगा तो ए बार उसी तरह शॉप में क्या जस्ट उल्टा हो जाता है शॉप में क्या होता है जब आपका जीरो रहेगा तो ए बार और जब वन रहेगा तो ए उसी तरह बी और सी के लिए भी लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए जीरो 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 है तो जीरो के लिए ए लिखते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी उसी लिए उसके बाद फिर इस सेल के लिए देखिए तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस यहाँ पे वन है तो वन के लिए बार लग जाएगा तो प्लस डी बार हो गया फिर इसके लिए जीरो जीरो वन वन ये सेल के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार दोनों वन वन है इसलिए सी बार डी बार हो गया तो इस तरह से अगर हम इसको लिखे तो ये आपका हो गया ए सॉरी यहाँ पे देखिए सी प्लस सी डी है तो सी प्लस डी हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे आपका ए प्लस बी और यहाँ सी प्लस डी तो सी प्लस डी यहाँ हो जाएगा सी प्लस डी बार ये आपका हो जाएगा सी बार प्लस डी बार ये आपका हो जाएगा सी बार प्लस डी इस तरह से लिखेंगे इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी ए प्लस बी बार ये आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी बार और ये हो जाएगा आपका ए बार प्लस बी तो देखिए इस तरह से इसी का लिखना है तो क्या हो जाएगा ए बार बी प्लस सी प्लस डी ए बार बी ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस तरह से हम लोग सभी सेल का लिख लेते हैं तो ये आपका पॉस फॉर्म है और ये आपका सॉफ्ट फॉर्म है तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं फोर वेरिएबल में इसको अच्छे से देख लीजिए इसी पे आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन है आपका रिड्यूस यूजिंग मैपिंग द एक्सप्रेशन समीरो वन टू थ्री फोर टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व थर्टीन ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एन इम्प्लीमेंट इट इन यूनिवर्सल गेट आपको इसको मैपिंग करना है के मैप से मैपिंग करके रिड्यूस करना है और फिर उसको क्या करना है नाइन गेट का यूज करके या नोर गेट का यूनिवर्सल गेट का यूज़ करके आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बनाते हैं ये फोर वेरिएबल का मैप होगा पहले तो ये देखिए जो कितना वेरिएबल का होगा तो देखिए इसमें जो टर्म दिया है वो मैक्सिमम कितना है थर्टीन है थर्टीन है मीन्स आपका थ्री वेरिएबल में कहाँ से कहाँ तक होता है जीरो से लेकर सेवन तक टू वेरिएबल में होता है जीरो से ले कर थ्री तक तो ये थ्री वेरिएबल में भी नहीं आएगा फोर वेरिएबल में होता है जीरो से लेके फिफ्टीन तक तो फोर वेरिएबल में ये आ सकता है क्योंकि थर्टीन ही है आपका फोर वेरिएबल में आ जाएगा फाइव वेरिएबल में कितना हो गया टूप फाइव इज्कवल टू थर्टी टू तो उतना तो नहीं जाएंगे हम लोग जो उसके करीब रहेगा उसी का हम लोग लेते हैं तो ये आपका थर्टीन है तो हम लोग क्या करेंगे फोर वेरिएबल का के मैप बनाएंगे तो हम लोग फोर वेरिएबल का के मैप बना लिए अब देखिए ये आपका ए बी सी डी हम लोग ले लिए अब ये आपका जीरो जीरो हो गया ये जीरो वन हो गया ये आपका वन वन हो गया और ये आपका वन ज़ीरो हो गया फिर यहाँ जीरो ज़ीरो जीरो वन 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 और वन ज़ीरो हो गया अब हम लोग अभी देखे हैं इस सेल का कितना था जीरो जीरो ज़ीरो जीरो मीन ज़ीरो ये आपका जीरो 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 वन मीन्स वन ये आपका जीरो जीरो वन वन मतलब थ्री ये आपका टू होता है ये आपका फोर उसी तरह फाइव ये आपका सिक्स ये सेवन ये आपका एट नाइन टेन एलेवन थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन ये हाँ। होता है तो ये समेसन ऑफ एम दिया हुआ है मतलब सॉफ्ट फॉर्म में दिया हुआ है समेसन ऑफ़ एम मतलब सॉफ फॉर्म में दिया हुआ है वही पाई ऑफ एम रहता तो पॉस फॉर्म में रहता यहाँ पे समेशन ऑफ एम है मीन सॉफ्ट फॉर्म में तो हम लोग सॉफ्ट का ऑपरेशन करेंगे तो देखिए ये हम लोग लिख लिए पता है हमको अब देखिए जीरो के लिए कौन सा सेल है ये है तो यहाँ पे वन कर देंगे अब वन वन के लिए कौन सा सेल है तो ये है यहाँ पे वन टू टू के लिए कौन सा है तो ये है तो वन थ्री के लिए कौन सा है तो ये तो वन 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 कर दिए अब देखिए फाइव फाइव के लिए कौन सा है ये है सिक्स नहीं है सेवन सेवन के लिए कौन सा है तो ये है एट एट के लिए कौन सा है तो ये है नाइन नाइन के लिए कौन सा है तो ये है टेन टेन के लिए कौन सा है ये ट्वेल्व ट्वेल्व के लिए ये वाला और थर्टीन थर्टीन का ये देखिए इतना में हम लोग वन वन कर दिए जो जो दिया हुआ था आपका फॉर्म में वो हम वहाँ पर वन कर दिए जो नहीं दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे जीरो कर देंगे ये जीरो हो गया ये ज़ीरो हो गया ये जीरो हो गया ये ज़ीरो हो गया ये जीरो हो गया अब हम लोग क्या करेंगे कंबाइन करके हम लोग ग्रुपिंग करेंगे मैक्सिमम ग्रुपिंग कितना हो सकता है मैक्सिमम ग्रुपिंग कितना हो सकता है तो यहाँ पे देखिए यह इस चार का हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं इस चार का ग्रुपिंग हम लोग हमेशा चार आठ दो चार आठ सोलह बत्तीस इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे तो ये चार का ग्रुपिंग हो जाएगा अब देखिए ये चार का भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं तो ये चार का भी ग्रुपिंग हो जाएगा क्योंकि सब एडजस्टेंट सेल है ये 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 सब एक दूसरे का एडजस्टेंट सेल है अब देखिए अब कौन सा ग्रुपिंग हो सकता है तो अगर यहाँ पे देखिए तो ये साइड वाला और ये साइड वाला इसका ग्रुपिंग हो सकता है और क्या ग्रुपिंग हो सकता है देखिए तो एक हम लोग इसका और इसका ये ग्रुपिंग कर सकते हैं अब इसके अलावा भी होगा कि नहीं अब तो कोई नहीं बचा तो अब हम लोग ग्रुपिंग करके क्या करेंगे लिखेंगे तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट अगर हम लोग एफ इज कॉल टू लिखे तो यहाँ पे देखिए इस ग्रुपिंग के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे शॉर्टकट सीखिए यहाँ पे देखिए ए बी है इधर और इधर सी डी है तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है जो कॉमन होगा उसी को लेंगे तो जीरो है यहाँ वन है यहाँ पे वन है वन है ये वाला कॉमन है वन वन तो यहाँ से आपका डी आ जाएगा इधर से क्या आ जाएगा डी आ जाएगा इधर से देखिए ये ज़ीरो जीरो है जीरो ज़ीरो है इधर तो जीरो जीरो है तो यहाँ पे देखिए ये आपका कॉमन है दोनों में तो यहाँ जीरो जीरो ए बार वाला तो तो कॉमन हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए इस ग्रुपिंग से हमको क्या आ गया ए बार डी कैसे लाए फिर हम एक बार बताना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन है जीरो इसमें भी है इसमें भी है इसमें जीरो है वन है तो इसमें कॉमन नहीं होगा तो ये दोनों सेम है तो हम लोग यहाँ से जीरो वाला लेंगे तो जीरो किसके लिए है ए बार के लिए क्योंकि तो जीरो मीन्स ए बार हो जाएगा सब फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ से ए बार हमको मिला और यहाँ से देखिए ये आपका वन वन दोनों में कॉमन है क्योंकि तो ये दोनों आप ले रहे हैं ये दोनों के लिए सेल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका यहाँ से डी आ जाएगा क्योंकि सी बार डी है तो यहाँ से डी आ जाएगा तो ए बार डी आ गया इसके लिए रिड्यूस करके आपका ए बार डी आ गया प्लस चलिए अब इसका इसके लिए करते हैं ये आपका चार का जो है ग्रुपिंग इसके लिए करते हैं तो फिर इसके लिए देखिए यहाँ पे देखिए वन वन है यहाँ पे वन जीरो है तो वन वन वाला होगा ये ये होगा तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा ए आपको यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से देखिए अब यहां से देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो इस दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जीरो है जीरो है तो ये आपका कॉमन हो जाएगा ये जीरो है वन है तो ये कॉमन नहीं होगा तो जीरो वाला तो मतलब एम एस वाला कॉमन हो रहा है तो मीन्स सी बार हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ से आपका सी बार आ गया ए बार ए सी बार तो ए सी बार आपका आ गया यहाँ से इसके लिए अब हम लोग इसके लिए देखते हैं ये ये और ये दोनों के लिए तो यहाँ पे देखिए क्या है जीरो जीरो है यहाँ पे वन जीरो है तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा एल एस वाला आ जाएगा जीरो जीरो दोनों में है तो यहाँ पे बी बार आ जाएगा यहाँ से और यहाँ पे ये यह दोनों में है सी बार डी बार दोनों के लिए हो जाएगा ये दोनों यह इसके और इसके लिए तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बी बार प्लस बी बार सी बार डी बार ये आपका आ जाएगा यहाँ से प्लस इसके लिए फिर क्या हो जाएगा सेम टू सेम यहाँ पे देखिए जीरो जीरो है वन जीरो है ये दोनों के लिए तो यहाँ पे क्या होगा जीरो आपका कॉमन हो गया जीरो जीरो एल एस बी वाला तो मीन्स बी बी बार आपका कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बी बार और यहाँ से क्या आ जाएगा ये दोनों का सी डी बार अब देखिए इसको आप रिड्यूस कीजिएगा तो क्या जाएगा ए बार डी प्लस ए सी बार प्लस यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ पे बी बार बी बार और क्या कॉमन हो जाएगा बी बार और डी बार आपका कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा सी बार प्लस सी तो क्या आ गया ए बार डी प्लस ए सी बार प्लस बी बार डी बार तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया अब एक चीज़ और देखिए अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं देखिए इसके ये और इसके लिए हम लोग अगर लिखना है तो हम लोग शॉर्टकट सीखे कि जो जैसे कि जीरो जीरो वन जीरो था तो जीरो जीरो कॉमन हुआ तो ये वाला हम लोग बी बार यहाँ से ले लिए और यहाँ से दोनों के लिए है सी बार डी बार तो वो चीज़ बी बार सी बार डी बार लिख लिए अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी कीजिए इसके लिए क्या लिखेंगे ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे ए बी बारी बार डी बार लिखेंगे यहां से देखिए क्या कॉमन लेंगे बी बार सी बार डी बार कॉमन हो जाएगा क्या बचेगा हो जाएगा ए बार प्लस ए इक्वल टू क्या होता है वन तो क्या हो जाएगा बी बार सी बार डी बार तो देखिए बी बार सी बार डी बार आ गया तो यहाँ पे बी बार सी बार डी बार हम लोग तो डायरेक्ट लिख दिए इसी तरह इसके लिए भी लिख सकते हैं सभी की तरह लिख सकते हैं आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं इसके लिए क्या लिखेंगे तो देखिए ए बार बी बार सी डी बार प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे ए बी बार सी डी बार तो फिर कॉमन लीजिए क्या क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ पे देखिए आपका बी बार सी डी बार कॉमन होगा बी बार सी डी बार कॉमन हो गया ए बार प्लस ए आपका वन हो जाएगा तो बी बार सी डी बार आ गया तो बी बार सी डी बार आपका आ गया तो इस तरह से भी आप रिड्यूस कर सकते हैं तो यहाँ से क्या आप गया आपका आ गया रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया ए बार डी प्लस ए सी बार प्लस बी बार डी बार अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में कह रहा है पहले तो रिड्यूस करना है फिर आपको यूनिवर्सल गेट लगा के इंप्लीमेंट करना है तो चलिए आपको इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट मीनस नैंड गेट का यूज करते हैं नैंड और नॉर आपका यूनिवर्सल गेट होता है तो नैंड गेट का यूज करके हम लोग बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये आपका एक नैंड गेट हो गया ये आपका हो गया यहाँ पे सपोज कीजिए बी बार डी बार हम लोग ले लिए एक आपका ये हो गया ये हम लोग ले लिए ए सी बार ले लिए और एक आपका हो जाएगा ये ये आपका हो गया ए बार डी हम लोग ले लिए एक आपका हो गया बी बार डी बार ये वाला टर्म एक आपका हो गया ए सी बार ये वाला टर्म और एक आपका हो गया ए बार डी हम लोग ले लिए अब क्या करेंगे सबको कंबाइन करेंगे और एक नैंड गेट से हम लोग कनेक्ट करेंगे ये आपको फाइनली का वैल्यू आ गया तो देखिए नाइन गेट के यूज करके हम लोग बना लिए देखिए यहाँ पे कैसे आया बी बार डी बार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आउटपुट बी बार डी बार पे बार क्योंकि ए इंटू बी पे बार होता है नाइन गेट में फिर इसका क्या हो जाएगा ए सी बार पे बार और इसका क्या हो जाएगा ए बार डी पे बार चलिए यहां पे फिर आपका फाइनली क्या जाएगा बी बार डी बार पे बार A, C bar, पे बार टू ए बार डी बार पे पूरे पे बार हो जाएगा क्योंकि ए इंटू बी पे बार होता है अब इसको डिमोरगेंस लॉ से अगर तोड़िएगा तो क्या जाएगा देखिए तोड़िए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बी बार डी बार पे बार पे बार प्लस ए सी बार पे बार पे बार प्लस ए बार डी बार पे बार डी डिमोर्गेंस लॉ से तोड़ दिए तो अब इसका क्या हो जाएगा डबल बार है तो ये हट जाएगा तो क्या बचेगा बी बार डी बार प्लस यहाँ भी डबल बार है तो क्या हो जाएगा ए सी बार प्लस ए बार डी डबल बार है तो ये दोनों हट जाएगा बार तो आपको क्या आ गया ये आपका आ गया फाइनली मीन्स एफ इज कॉल टू मेरा इतना आ गया तो हम लोग क्या देखें नाइन गेट का यूज करके हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर दिए तो ये आपका एक्सप्रेशन आया था रिड्यूस होके और यहाँ पे नैंड गेट का यूज करके हम लोग क्या किए यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए लॉजिक डायग्राम बना लिए इसका ये जो एक्सप्रेशन था उसका लॉजिक डायग्राम हम लोग बना लिए यूजिंग यूनिवर्सल गेट आपका क्वेश्चन में था यूनिवर्सल गेट का यूज करके बनाना है मीन्स नैंड और नौर. तो हम लोग नैंड गेट का यूज करके इसको बना लिए थैंक यू